हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है राहुल पंचोली और मैं आपको पढ़ाने आ चुका हूँ फिजिक्स सिर्फ अनअकैडमी पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ हमारे अनअकैडमी स्टूडियोज चैनल मोमेंटम पे। इस चैनल का जो पहले नाम था वो एस्केप वेलोसिटी था, नाउ वी हैव चेंज द नेम ऑफ दिस चैनल टू मोमेंटम। मैं जल्दी से अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जो मेरी टीम है उसके अंदर आप देख रहे हो कि निलेश सर हैं, विभू सर, सक्षम सर और मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देन प्रशांत जैन सर और जयेश रावत सर हमारे साथ है मैथमेटिक्स के लिए। तो ये जो है मेरी अनअकैडमी स्टूडियोस चैनल मोमेंटम की जो टीम है, मैंने आपको उससे इंट्रोड्यूस करा दिया है। बच्चों, जो आज का जो वीडियो है इसके अंदर, जैसा कि मैंने पिछले अपने लेक्चर्स में कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए आईएनजेएसयू के टॉपिक्स का रिवीजन लेके आऊंगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो फॉर्मुलेज हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सब रिवाइज कराने वाला हूं। तो ये जो है हमारे टॉप एडुकेटर्स की जो टीम है, जो सिर्फ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये जो प्लस प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसका बेनिफिट उठाते हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, देन यू विल बी एबल टू लर्न विद ऑल द टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों, जल्दी से प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ये जो फैसिलिटी है इसको जल्दी से अवेल करो। देन उसके बाद जो हमारा प्लस प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेशल क्लासेस? तो जो स्पेशल क्लासेस का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अगर सिर्फ आपको वो पढ़ने हैं तो ऑन दीज स्पेशल क्लासेस वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारी चीजें के लिए अवेलेबल होती है। जैसे यहां पर एक जो है मैं आपको बता देता हूं, दैट प्रैक्टिस सेशन ऑन पॉलीनोमियल्स, सो दैट इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग जल्दी से बच्चों प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। देन इसके बाद जो प्लस प्लेटफॉर्म के और फायदे हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं, दैट यू विल बी एबल टू चैट विद द टॉप एडुकेटर्स। तो जितने भी एडुकेटर्स हैं जिनकी आप लाइव क्लासेस देख रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे चैट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स हैं आप उन्हें देखेंगे और हमसे बात नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हम सब लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव इंटरेक्टिव पोल्स। सो द मीनिंग ऑफ इंटरेक्टिव पोल्स इज कि कुछ भी ओपिनियन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो विद हेल्प ऑफ दोज इंटरेक्टिव पोल्स आप हमें ओपिनियन दे सकते हैं। और उसके अलावा जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसका सबसे जो जबरदस्त फायदा है वो भी आपको बता देता हूं, दैट यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर। बच्चों, इसका क्या मतलब है? आज तक क्या होता था, जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था या फिर जो आपका स्कूल होता था उसके अकॉर्डिंग, उस क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होती थी। अब क्या हो गया है, चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसके अंदर आप अपनी चॉइस से अपने रिलेवेंट टाइम पे प्लस प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग के साथ स्टडी कर सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म। अब मैं आपकी जो इसको जो फी है, फी स्ट्रक्चर है, वो आपको बता देता हूं। तो फी स्ट्रक्चर में जो है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है बच्चों, 17,500 रुपए। अगर आप पढ़ने के लिए अपनी सिटी से कहीं बाहर जाते हैं फाउंडेशन के स्टेजेस में, फाउंडेशन मतलब आप 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इजीली आपको पूरे साल का एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए वहां पर रहना, वहां पर खाना, सारी चीजों का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। बट अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आप अपने घर पे रहते हुए ओनली 17,500 रुपीज पे करके ये फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। देन 2 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है 28,000 रुपीज का है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी मिनिमल फीस। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं आर ए लाइव कोड, तो मेरा जो नाम है राहुल पंचोली और मेरा जो कोड है वो आर ए लाइव, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर 10% फी बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी आपकी फी लग रही होगी। तो कुछ बच्चे अगर वो सोच रहे हैं कि सर हम 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके चेक करना चाहते हैं या 6 मंथ का, सो दैट बेनिफिट इज ऑल्सो अवेलेबल। यूज द कोड आर एल लाइव एंड यू विल गेट द बेनिफिट। ठीक है, तो जो फीस है 17,500 जो थी हमारी, वो रिड्यूस होके 15,750 हो जाती है एक साल की, एंड जो 28,000 हमारी फीस थी वो रिड्यूस होके 25,200 रुपीज हो जाती है। सो दैट्स द आई कैन से पावर ऑफ माई कोड। मेरे कोड को यूज करो, उसकी शक्ति का इस्तेमाल करो बच्चों। देन इसके बाद जितने भी ये सारे फीचर्स हैं, ये हमारे जो ऐप है एंड्रॉइड के ऊपर ऐप है, उस सब पे भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से स्टडी करना तो जल्दी से जाइए, उसके अंदर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड उसके बाद अपनी इंटरेस्ट का जो भी आप पढ़ने वाले हैं उस चैनल को यहां पर सेलेक्ट कीजिए एंड
सब्सक्राइब फॉर दैट, यूज माई कोड आर ए लाइव अगेन, एंड इफ यू आर यूजिंग दैट कोड आपको 10% जो है फी बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल है मैंने दिखा रखा है आपको, आई आई टी जेई का 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होता है हमारा वो 48,000 rupees कॉस्ट करता है। इफ यू यूज दिस कोड आर ए लाइव देन यू विल बी गेटिंग द सेम फैसिलिटीज इन 43,200 rupees। तो एक डायरेक्टली आपको 10% जो बेनिफिट है आपको मेरे कोड को यूज करने से मिल जाता है। तो ये जो थी मैंने सारी आपको बेसिक सी चीजें बताई जो आप सब लोग अगर ध्यान रखेंगे then you can get the maximum output from our plus channel। ठीक है, तो आप plus platform पे आ जाएं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये जो आज का वीडियो है इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, ये किस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो जो भी बच्चे जो हैं अगर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक क्विक रिवीजन चाहते हैं तो 10th स्टैंडर्ड पे भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो और इसके नेक्स्ट वीडियो एक दो वीडियो की एक सीरीज बना रहा हूं जिसके अंदर मैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रिविजन कराऊंगा और किस तरह से फॉर्मुलेस को यूज करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा वो भी मैं आपको ग्लिम्स देने वाला हूं, थोड़े क्वेश्चन करके आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो हमारा टारगेट है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो है दिस इज मेड बाय कंसीडरिंग द टारगेट INJSO 2020। तो बच्चों INJSO 2020 है इसका एग्जाम 1 फरवरी 2020 को शेड्यूल्ड है, ये एग्जाम सैटरडे को होने वाला है। ठीक है, IJSO करके एक जो एग्जाम होता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, इसकी 5 स्टेजेस होती है जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। दैट फर्स्ट स्टेज होती है इसकी NSEJS, थोड़े ही दिन पहले 2-3 दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया है और फाइनल जो रिजल्ट है IAPT के थ्रू वो डिक्लेयर हुआ है। तो आप IAPT एग्जाम रिजल्ट्स अगर आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बेसिस पे आप जो है NSEJS स्टेज 1 का रिजल्ट देख सकते हैं। देन जो सेकंड स्टेज है बच्चों वो होती है INJSO। तो INJSO का जो सेकंड स्टेज है उसका एग्जाम 1 फरवरी को होना है और जो भी बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाइड कर चुके हैं वो इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेकंड स्टेज के बारे में बताया। जो थर्ड स्टेज होती है ये OCSE कैंप होता है, इसके अंदर जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जो INJSO क्वालिफाई करते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है एंड उन्हें फर्दर एक कैंप में भेजा जाता है जहां पर जो है उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे हम IJSO के बारे में पढ़ रहे हैं तो जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। देन द फोर्थ स्टेज जो फाइनली कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे उनकी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग PDT होती है। देन फाइनल जो स्टेज होता है IJSO, इसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं फाइनली वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सो दैट्स हाउ द प्रिपरेशन ऑफ IJSO गोज। एंड हम जो टारगेट करने वाले हैं इस वीडियो में वो INJSO के लिए टारगेट कर रहे हैं एंड वी विल बी रिवाइजिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होते हैं आज हम उन्हें देखेंगे और किस तरह से उन फॉर्मुलेज को यूज किया जा सकता है आज की वीडियो में आपको मैं वो बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जब भी आपके दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी आता है आपको पता होना चाहिए दैट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द सेकंड पार्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक जो है इसको दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, उनको देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में जो INJSO के 2019, 18, 17 and 16 के पेपर्स थे उनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस को रिलीज किया है, तो बच्चों आप उनसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम अकाउंट पंचोली राहुल। तो ये जो है मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आप अपने डाउट्स जो है मुझको भेजिए टेलीग्राम पे, आई विल ट्राई कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों हेल्प कर पाऊं। देन इसके बाद जो मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है जहां पर मैं अपने कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन रिलीज करता रहता हूं उसका भी मैं आपको नाम बता देता हूं। सो यू कैन टाइप t.me/RALives।
सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो इस चैनल के ऊपर जो भी मेरे कोर्सेज होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन मैं रिलीज करता रहता हूँ, सारी डिटेल्स वहां आपको बताता रहता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर ज्वाइन करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। देन इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, देखो बच्चों कॉल तो मैं नहीं उठा पाऊंगा, बट इफ यू वॉन्ट टू पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप देन यू कैन यूज दिस नंबर। सो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप बेशक मुझे डाउट्स भेजिए, मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जो INJSO का एग्जाम है आई ट्राई कि जो जितनी भी चीजें मुझे पता है मैं आपको उस तरह से INJSO में जो फिजिक्स है उसके लिए बिल्कुल मैं आपको हेल्प कर पाऊं, ठीक है। सो यू कैन टेक माई गाइडेंस एज ए मेंटर इन दिस जर्नी ऑफ INJSO। मैं बहुत ही जल्दी जो और कोर्सेज लेके आने वाला हूँ उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, दैट वी विल बी लॉन्चिंग NSEP कोर्स। सो NSEP का जो कोर्स है इसके अंदर मैं आपको पूरे जो साल है फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ये कोर्स भी मैं यूट्यूब पे ही लेके आने वाला हूँ। देन इसके बाद जो मेरा प्लस प्लेटफॉर्म पे जो मेरे कोर्सेज चलने वाले हैं, तो प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, दैट we will be launching NTSE and NSEJS course। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर जो सीट्स हैं बहुत ही लिमिटेड है हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एक साल की जो फी है वो इट इज ओनली 15,750 रुपीज। बच्चों बहुत नॉमिनल फीस है। तो ये जो है इसके अंदर हमारी सीट्स ऑलरेडी फिल होना चालू हो चुकी है। सो वी आर क्रिएटिंग ए सुपर 30 बैच जिसके अंदर 15 से 20 सीट्स भर चुकी है। आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आइए, मेरे को टेलीग्राम जो है इसके ऊपर आप मैसेज भेजिए, आई विल ऐड यू इनटू दैट कोर्स और आई विल ऐड यू इनटू दैट ग्रुप। उसके बाद जो है हम आपको पूरे साल NTSE और NSEJS की प्रिपरेशन कराएंगे। ये जो एग्जाम्स हैं ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड होते हैं। हमारे पास इसका कोटा की इंडस्ट्री में वर्क करने का एक्सपीरियंस है। मेरे साथ प्रशांत जैन सर भी हैं, वो भी कोटा की इंडस्ट्री में पिछले सालों से कुछ सालों से मैथमेटिक्स और बच्चों के पढ़ा रहे हैं और बच्चों के मेंटर भी रह चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं हम दोनों साथ में मिलके और भी जो हमारी टीम है वो धीरे धीरे आपके सामने डिस्क्लोज होने वाली है। 15 जनवरी को जो ये है NTSE एंड NSEJS का जो है हमारा कोर्स जो है लॉन्च होने वाला है प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से आ जाइए बच्चों, ये मैंने आपको थोड़ा जो बेसिक्स थी सारी चीजें बता दी। अब मैं क्विकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आता हूं जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, उस चीज को आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है कूलम्स लॉ। तो बच्चों कूलम्स लॉ जो है वो हमको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान होना चाहिए यहां पर। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, तो हम जो कूलम्स लॉ है उसके बारे में देख लेते हैं, दैट इट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आप सबको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ये मैं निकाल रहा हूं दो चार्जेस के बीच में फोर्स, एक चार्ज है क्यू वन एक चार्ज है क्यू टू, एंड इन दोनों के जो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये डिस्टेंस को हमने यहां पर आर कहा है। के इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम 1/4πε0 प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए दैट दिस इज द वैल्यू के की एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं, दैट जो के की वैल्यू है वो निकल के आती है 9×10⁻¹। अब इसकी जो यूनिट है वो भी आप देख लीजिए, द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए दैट दिस इज द बेसिक्स, कूलम्स लॉ ये कहता है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत बार क्वेश्चन में जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह एप्सिलॉन आर को यूज कर दिया जाता है। तो देखिए एप्सिलॉन आर वो किस तरह से आपको यूज करना है, तो एप्सिलॉन आर को जो लिखने का तरीका होता है दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो मैं आपको बता देता हूं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहलाया जाता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, एंड दिस इज गिवन एज एप्सिलॉन आर को जो लिखने का तरीका होता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन मैंने यहां पर लिखा है दिस इज द एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। सो
ये जो एप्साइलन वर्ड मैं बोल रहा हूं, इसको कहा जाता है फिजिक्स की टर्म्स में दैट एप्साइलन इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन अगर मैं नॉट बोल देता हूं तो वो हो जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन एम की मैं बात कर देता हूं तो एप्सिलॉन होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम दे दूंगा तो वो मीडियम का हो जाएगा, एंड एप्सिलॉन आर दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो, दैट इज नोन एज दी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपको बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको कूलम्स लॉ बताया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। तो आपको एक बार मैं अगेन गो थ्रू करा देता हूं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। इसका क्या मतलब है, अगर यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू, इसके विसिनिटी में मैंने यहां पर क्यू नॉट चार्ज को लाके रखा, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं कहता हूं कि ये प्लस चार्ज है तो मैं कहूंगा कि ये दूसरा अगर प्लस चार्ज माना है यहां भी, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखना चाहूं तो दोनों के बीच का फोर्स के क्यू क्यू नॉट एंड जो डिस्टेंस है उसको मैंने आर स्क्वायर बोला, एंड मैं डिवाइड कर देता हूं इसे क्यू नॉट से, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे निकल के आती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी आना चाहिए। इसके बाद जो इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना। तो मैं आपको एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी डिफाइन करके बता देता हूं। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है कि जैसे मान लो एक कंप्लीट सर्किट है, ठीक है, तो यहां तो हम सिर्फ चार्जेस की बात कर रहे हैं और सर्किट की बात भी करेंगे। तो चार्जेस की अगर बात करें तो अगर एक चार्ज है तो मैं एक चार्ज को पहले यहां पर मान लेता हूं, कोई दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ है जिसको मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इसे लाके छोड़ देता हूं और मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का क्या होगा, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए बाय पर यूनिट चार्ज। तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से डिफाइन कर रहा हूं मैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो दैट इज हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। अब अगर इसको मैं एक बोलता हूं, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसे कह दिया जाता है दैट इट इज डिफाइंड एज ई डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से रखिए, देखिएगा इसे। डॉट प्रोडक्ट का जो मतलब होता है उसे कहा जाता है ई डी, दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं यहां पे पुट कर दूंगा एंड आई मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स के अंदर अपन ने पढ़ा होता है कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करना होता है। अगर आपको वेक्टर्स दे रखे हैं तो अगर एक वेक्टर का आई कैप और आई कैप होगा तो दोनों के दोनों डॉट प्रोडक्ट होने के बाद वन देते हैं, जे के वन देते हैं, के केप के केप वन देते हैं। आई को अगर मैं जे से डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो दोनों के बीच का एंगल जो होता है, आई केप जे केप के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। दैट्स वाई जो कॉस थीटा में हम यूज करते हैं कॉस 90 यूज करते हैं, एंड आप सबको पता होना चाहिए कि जो कॉस 90 होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। सो दैट्स वाई ये बहुत सिंपल बन जाता है कि जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, डिस्टेंस है, उसको एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो मेरी बात आप और तब समझ पाएंगे क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है, उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में इस बात को आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से अपन ने किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें समझते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मैं चला जाता हूं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया गया। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम यही चीज देखते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से बताया गया है मैं आपको बताता हूं यहां पे। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये पॉइंट बी कह दिया मैंने, ये पॉइंट मैंने
ए कह दिया, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को मैं कह देता हूं यहां पर क्यू चार्ज है, और ये एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ज्वाइन कर देता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो दूसरा छोटा क्यू चार्ज है उसको मैं यहां से लेके ए से लेके बी तक लेके जा रहा हूं। सो हाउ कैन आई से दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, तो दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को वी बी माइनस वी ए कहा जाता है। अब अगर आप इंडिविजुअली देखें तो मैं क्या कह सकता हूं, बी पॉइंट के पोटेंशियल को लिखूंगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू बी अपॉन द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू, जो चार्ज मैं लेके आ रहा हूं, माइनस वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्यू। तो इसको जो सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं वो लिख देते हैं वर्क डन बाय टिल बी माइनस वर्क डन टिल ए डिवाइड बाय द चार्ज क्यू। सो दैट्स हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस तो वी बी माइनस वी ए इज डिफाइंड। सो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इस तरह से हमने इसे डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज ऑलवेज ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या मतलब है, दो चार्जेस के मिला के पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। एक चार्ज के विसिनिटी में पोटेंशियल हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है चार्ज को मूव करने की वजह से, बट जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इट विल बी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो किस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कि एक चार्ज है मैंने यहां पर क्यू बोल दिया, दूसरा जो चार्ज है उसे मैंने छोटा क्यू यहां पर रखा। अब इन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूं दैट दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज ओ, और मैंने कह दिया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अब यहां पर मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप फोर्स डिफाइन कर रहे थे तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर आया था। जब आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू कहते हैं उसे अगर आप डिफाइन करेंगे तो इट विल बी के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय आर। यहां पर बच्चों आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो ये कभी कभार हम मिस्टेक कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड लाइक दिस। तो ये जो है हम कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो आईएनजेएसओ के लिए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करना है। तो दैट्स व्हाई मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आगे बढ़ता हूं इसके अंदर। आगे जो है नेक्स्ट जो चीज है जो हमें यहां पर समझनी है वो है फ्लक्स। तो जैसे बच्चों आपने मैग्नेटिज्म में फ्लक्स पढ़ा होता है वैसे ही चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कहलाया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे भी हम सेम सिंबल फाइ से डिफाइन करते हैं। तो अगर इसे आप डिफाइन करते हो तो फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर अगर मैग्नेटिज्म का याद करें तो बी डॉट ए कहा जाता है, यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं तो ई डॉट ए कहा जाएगा। बट इसी चीज को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं, डिफरेंशियल फॉर्म मतलब अगर स्मॉल एलिमेंट वाली फॉर्म में लिखना चाहूं तो हम कह देते हैं डी फाइ इज इक्वल्स टू ई डॉट ds। ये दोनों ही वेक्टर होते हैं और दोनों वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने की वजह से जो आपका आंसर आता है, फाइनल जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो मैं इसको दोबारा से एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस तरह से आप कह सकते हैं इसे दैट ई, और ds को आपने यहां पर लिखा। तो आई वॉन्ट टू रिमूव दिस थिंग बिकॉज अभी क्या कर दिया है आपने, इसे मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया है, तो ई के ऊपर जो ये वेक्टर का सिंबल है ये आपको यहां पर रिमूव करना पड़ेगा, देन ई डॉट डी एस, और ये हमारे साथ बन जाता है कॉस थीटा। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है डीएस वेक्टर का ये किस तरह से लेना होता है मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। तो सपोज एक कॉइल है मेरे पास, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस कॉइल के अंदर जो डीएस एलिमेंट होता है वो डीएस होता है इसका सरफेस एरिया, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल लिया जाता है। तो ये हुआ आपका
डीएस वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर जो इनके बीच का जो एंगल है थीटा एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 डिग्री। सो जो आपकी कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस 0 जो है इसका आंसर आपके पास आ जाता है 1। सो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है, ये जो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया है यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम फाई ई, अगर आपको मिनिमम फाई ई करना है तो आप कॉइल का ओरिएंटेशन इस तरह से चेंज कीजिए, यहां पर आपका डीएस वेक्टर इस तरह से हो जाएगा एंड आप क्या कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज रखिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एज इट इज रह जाती है एंड एरिया वेक्टर इस तरह से चेंज हो जाता है तो अब मैं कह सकता हूं जो ये एंगल है थीटा एंगल यहां पर 90 डिग्री हो चुका है एंड आप सब लोगों को पता होना चाहिए दैट कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो सिनेरियो है मैंने यहां पर बनाया इसके अंदर मिनिमम फ्लक्स हो जाता है। तो ये मैंने आपको फ्लक्स के तरीके बताए किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो है फ्लक्स हो गया है तो इसको मैं वापस से यहां पर हटाना चाहूंगा क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि वी आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा। तो फ्लक्स इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। सिमिलरली अगर आप बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी की तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देन पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। अगर अपन बात करते हैं ये जो हमने इस वाली स्लाइड पे प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये अपने को ध्यान रखना है बच्चों यहां पर। देन इसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि आप किसी भी पॉइंट का सिर्फ पोटेंशियल निकाल रहे हैं। देन अगर हम कूलम्स लॉ पे जाएं तो कूलम्स लॉ में जो हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी ये जो फोर्स निकल के आ रहा था आप सब लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रखा है आपने कि जो फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें डिफाइन करी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम और क्या चीजें यहां पर सीख सकते हैं देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस को डाल रखा है, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था दैट इज the only part that is present in electrostatics. अब इसके बाद जो है हम जो चीजें समझने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की है, जहां पर हम करंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं वो समझेंगे, हम ओम्स लॉ समझेंगे, रेजिस्टेंस समझेंगे, तो वो सारी चीजें भी जो है मैं आपको बता देता हूं कि अपने को किस तरह से करनी है। बट उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस से समझने की कोशिश करते हैं कि इन सबको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है तो मैं आप सब लोग को बोलूंगा एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए और इसको गो थ्रू करने के बाद हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सवाल है इसमें बोला है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस। तो दो हमको यहां पर इन्होंने बताए हैं कंडक्टर्स हैं, एक जो बोला है वो है बी एंड दूसरे को इसने बोला है कि यहां पर आपको सी मानते हुए चलना है एंड बोला है रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ। इसका मतलब दोनों के ऊपर स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी इक्वल रेडियाई है कैरिंग इक्वल चार्जेस तो रिपेल कर रहे हैं तो मैं अभी इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, क्यू एंड क्यू इनके ऊपर चार्जेस थे, आर डिस्टेंस पर ये रखे हुए थे। अब आगे में बोला है तो हम पहले फोर्स की डेफिनेशन जो है उससे यहां पर फोर्स लिख लेते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स दे आर एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू ईच अदर। अब आगे देख लेते हैं हमसे क्या बोला गया है यहां पर थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद बी। तो एक और स्फेयर जो है अब इसकी जो रेडियस है वो बी के बिल्कुल बराबर है और हमें मालूम है बी और सी की भी बराबर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब जब मैं इसे बी के कॉन्टेक्ट में लेके आता हूं स्फेयर को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एल से ए है तो जैसे आप बी से इसे टच कराएंगे तो दोनों स्फेयर्स के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो चार्जेस है मैं वो लिख देता हूं, टच कराने के बाद ये क्यू बाय टू हो जाएगा और यहां का जो क्यू है ये भी चेंज होके क्यू बाय टू हो जाएगा। तो Q/2 दोनों पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। आगे बोला गया है देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सी। अब मैं A को जब C के कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो द टोटल चार्ज इज 3Q/2 Q+Q/2 इट विल डिवाइड इनटू हाफ एंड हाफ। तो दोनों पे मिला के 3Q/4 + 3Q/4 इस तरह से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं जो Q का चार्ज है अब ये चेंज होके हो जाएगा
थ्री क्यू बाय फोर, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बोला गया है द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच का न्यू फोर्स पूछा गया है। हम क्या करते हैं, दोबारा से कूलम्स लॉ लगाने की कोशिश करते हैं यहां पे, के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू बाय टू को मल्टीप्लाई किया गया थ्री क्यू बाय फोर से, अपॉन आर स्क्वायर, द डिस्टेंस विल रिमेन सेम बिकॉज उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि उसने डिस्टेंस को चेंज किया। सो दैट्स हाउ माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3kq² / 8r². तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। सो एफ न्यू लिख देता हूं मैं यहां पर, तो एफ न्यू विल बी इक्वल्स टू 3/8 टाइम्स ऑफ द ओल्ड एफ, द ओल्ड फोर्स का 3/8 टाइम्स ये हो जाता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी। तो ये जो सवाल था ये आयन जोशी के लिए बहुत ही रिलेवेंट सवाल था, इस तरह के सवाल भी उन्होंने प्रीवियसली पूछे हैं जहां वो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नॉलेज आपकी चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे जो सवाल है सेकंड जो क्वेश्चन है यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया है। इस सवाल में जो है एक बार आप गो थ्रू कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूं इसको सॉल्व करने में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट O x y z ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाय दिस, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इक्वेशन दे दी अब हमें। आगे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूछी है मुझसे और मुझे कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 1,0,2 इन वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर में पूछी है। क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्या समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कोई एक तरीका पढ़ाया है जिससे आप इसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था दैट वी जो होता है उसको लिखा जाता है ई डॉट डी से, तो जैसा अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो V को दे सकते हैं हम E डॉट D से। अब देखो इसमें V बच्चों आपको दिख रहा है कि वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है क्योंकि हमें दिख रहा है इट इज 4x² जो बदलता जा रहा है। देन मुझे दिख रहा है अगर मैं मूव कर रहा हूं स्पेस में तो जो मेरा D है ये भी मुझे दिखाई दे रहा है इट इज वेरिएबल। कभी कभार इसी सेम इक्वेशन को हम किस तरह से लिख देते हैं ना कि जो d है ये डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जे कोऑर्डिनेट, अलग अलग तीनों को डिफाइन करके लिखते हैं। d मोस्टली नहीं लिखते हैं क्योंकि d क्या होता है डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है, तो हम क्या कर देते हैं इसको v इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, कभी कभार इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। बच्चों मैं आपको दोबारा कह रहा हूं फ्लक्स से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा यहां पर, तो ये जो है डिस्टेंस है, फ्लक्स के अंदर जो आता है वो एरिया आता है, सो दिस इज डिस्टेंस, तो आप इसे फ्लक्स से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। अब देखो मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, मैं अभी आपको बताता हूं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं डीवी अपॉन डीएस, सिंस दे बोथ आर वेरिएबल दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इसको मैं किस तरह से कर सकता हूं मैं आपको बताता हूं। ये जो मेरे को पोटेंशियल यहां पर दे रखा था 4x², दिस इज ओनली रिलेटेड टू दी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में मतलब जे कैप में और जेड डायरेक्शन में मतलब के कैप में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है 0 और 2 मीटर ये मेरे इरिलेवेंट हो जाते हैं, वहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा है। तो सिर्फ मैं क्या करता हूं जो एक्स कंपोनेंट है उसको यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर दे सकता हूं दैट इट इज गिवन बाय माइनस डीवी बाय dx, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला यहां पर क्लास में सिखाया था दैट वाज ऑफ द मैग्नीट्यूड ओनली, बट अगर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय dx, सो देयर इज अ नेगेटिव साइन इफ यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वी आर गेटिंग -8x। अब जो है हमें इसकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तो जो इसकी वैल्यू है 1 मीटर पे, तो एक्स की जगह 1 मीटर आप पुट कर दीजिए यहां पर, तो यू आर गेटिंग -8 वोल्ट पर मीटर। बच्चों अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आपका आंसर आ रहा है सो द मीनिंग ऑफ दैट इज दैट इट इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो दिस इज 8 वोल्ट
पर मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। दैट इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो फॉर्मूला है आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब तक कि आपको मैग्नीट्यूड की बात ना करी जाए आप हमेशा विद साइन इसको डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। सो दैट्स हाउ। सो अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो रही कि मैंने -8x कैसे लिख दिया, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। जो अगर कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स जिसे हम वाई कहते हैं, अगर इसे हम 4x स्क्वायर कहते हैं, तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx लिखते हैं, तो ये कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस में आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो 2 पावर है ये नीचे आ जाता है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 8 नीचे हो जाता है, एंड जो पावर है उसको -1 से रिड्यूस कर देते हैं, सो इट विल बिकम 8x। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो दूसरे सवाल का जो आंसर था वो ऑप्शन ए बन गया इस तरह से। तो ये जो सवाल था यहां पर मैंने आपको किस तरह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को यूज करना है ये सिखाया। आगे बढ़ते हैं, ये जो सवाल है एक बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो यूसेज है वो बहुत सारी चीजों का होने वाला है। एक बार समझिए क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है सबसे पहले वो हमारे दिमाग में आना चाहिए, दैट अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो है इसका और ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है इसके मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो इसका मतलब हमें लिखना है यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको डिवाइड कर देना है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब मुझे बोला गया है विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनकी इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो हमें जीरो बोल रखी है, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल दोनों की वो भी जीरो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी की क्यों मैं बात कर रहा हूं वो भी मैं भी आपको समझा देता हूं, बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से इन्हें हमने मूव कराया, एक्सेलरेट कराया, और हमसे पूछा गया है कि इसके बाद इनके मोमेंटम्स का रेशियो क्या हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन को पूरा अच्छे से आपके लिए डिफाइन कर दिया है, अगर आप सोच पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये जो वीडियो है इस वक्त मैं आपके सामने लाइव नहीं होऊंगा, ये एक प्रीमियर वीडियो होगा, बट फिर भी आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर इसमें कमेंट कीजिए। मैं अगर उस वक्त YouTube एक्सेस कर पाया तो मैं आपके कमेंट्स का वहां पर जवाब बिल्कुल दूंगा बच्चों। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं देख सकता हूं कि जो मैं है अभी सॉल्यूशन के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि इसको किस तरह से करना है। हमें एक फॉर्मूला मालूम है दैट V इज इक्वल्स टू W बाई Q। तो ये जो W होता है ये डिफाइन कर रहा होता है कि वर्क आपने कितना किया है, दैट इज डिफाइंड एज क्यू इन टू वी। तो जितना भी आप वर्क करते हैं दैट विल बी इक्वलेंट टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये चीज अगर मैं देखूंगा, सो वेयर दिस वर्क विल गो, दिस वर्क विल गो इन टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी का बच्चों चेंज है वो किस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूं, दैट विल बी हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे दिख रही है बच्चों यहां पर जीरो ही है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से आप वर्क को इक्वल कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, सबसे पहली बात क्यू इंटू वी, दोनों के लिए मैं चेक करके देख लेता हूं। क्यू जो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होगा, आप लिख लीजिए क्यू इलेक्ट्रॉन के लिए होगा ई। देन जो वी है उसकी वैल्यू उसने 100 बोली, अभी हम इस तरह से लिखते हैं, इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं अल्फा पार्टिकल के चार्ज से। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का आप देख रहे हैं डबली आयनाइज्ड है, तो मैं इसे 2e लिखूंगा एंड इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा पोटेंशियल से। अगेन जब डिवाइड कर रहा हूं तो इसे हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। देखिए कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जा रही है यहां पे, तो मैंने v की वैल्यू जान करके नहीं रखी थी बिकॉज वो कैंसिल हो जा रही है यहाँ पे। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है यहाँ पर जहां मैं ve अपॉन v अल्फा को डिनोट कर सकता हूं, दैट इट इज मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं अंडर रूट में डाल दूंगा इस तरह से। तो ये जो है मेरे पास एक रेशियो आया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे जो चीज फाइंड करनी थी यहां पर इन चीजों को पुट करने की कोशिश करता हूं, me अपॉन m अल्फा, ve अपॉन v अल्फा को इसलिए हटा रहा हूं मैं क्योंकि मेरे को ऑप्शंस ही इस तरह से दे रखे हैं। तो यहां थोड़ी सी समझदारी बच्चों हमें यह दिखानी होती है कि ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं उसको एक बार जरूर चेक करें। तो 2me मुझे यहां पर इसने दे रखा है। अब अगर मैं इसको अंदर लेके जाता हूं तो me का स्क्वायर अंदर आएगा, एक नीचे से कैंसिल हो जाएगा एंड नीचे जो है 2m
अल्फा आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. इस तरह से आपको ये एक सवाल सॉल्व करना था जहां पर मैंने आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज बताया. ये क्वेश्चन अच्छा और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपने एक वर्क एनर्जी की थ्योरम लगाई है, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए थी, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये चीज मैंने यहां पर इसको अप्लाई करी इसके अंदर और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ. तो ये जो तीसरा सवाल था ये मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने यूज किया है. तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो यूज है इसको हम आगे देखते हैं किस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना है. दो चार्जेस हमें दे रखे हैं Q1 एंड Q2. तो सबसे पहले मैं उनको फिगर आउट कर लेता हूं. इसके अंदर ये Q1 है, ये Q2 है. 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख रखे हैं, शोन इन द फिगर. थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ इस सर्कल. तो ये जो थर्ड चार्ज है इसको मैंने यहां रख रखा है और जो रेडियस दे रखी है आर्क की वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है. तो सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेरा 10 सेंटीमीटर कहलाया जाएगा. तो ये डिस्टेंस मुझे पता चल गया. चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ऐसा करने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से चेंज हो जा रही है. तो मुझसे पूछा गया है कि बताओ के की वैल्यू क्या होगी, पता लगा के बताओ. तो सबसे पहली चीज मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, सिस्टम की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाता हूं तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है मुझे मालूम है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. तो स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अपने को ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है. तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों चार्जेस ए और बी, देन ए और सी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूं यहां पर. तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो अगर हम लिखते हैं इनिशियली, तो ये जो इनिशियल कंडीशन है पहले हम उसे डिफाइन करते हैं. दैट इज गिवन बाय के क्यू, चार्जेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Q1 एंड Q3 को. तो इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि मुझे चार्जेस की वैल्यू नहीं दे रखी है. So this can be a challenge for us, but एक बार define करने की कोशिश करते हैं. पहले Q1, Q2 की define की जो है वो लिख लेता हूं क्योंकि Q1 and Q2 की positions change नहीं हो रही है. तो K Q1 Q2 इन दोनों के बीच की upon R square. R square में distance जो है 30 सेंटीमीटर का मैं square लूंगा यहां पर. सॉरी, तो K Q1 Q2 by R, जैसे कि मैंने आपको बताया था. तो ध्यान होना चाहिए आपको, ये इस तरह से आप दे सकते हैं. देन इसके बाद इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. दैट इज के Q1 Q3 डिवाइड बाय R. इसके अंदर आपको 40 लेके चलना पड़ेगा. देन इसके बाद इन दोनों की आपस में Q3 Q2 की आपको डिफाइन करनी पड़ेगी. तो मुझे दिख रहा है ये 30 है, ये 40 है. तो बहुत आसानी से मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो वैल्यू है ये कितनी होनी पड़ेगी, 50. पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज करना था यहां पे. तो इसके बेसिस पे मैं कह पाऊंगा कि ये होगी के Q2 Q3 अपॉन 50. एक बार दोबारा क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें कुछ ना कुछ चीजें चेंज करने को कहा है क्या. तो चार्जेस दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर पार्ट, शोन इन द फिगर है. थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C टू D मूव करा है. चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, चेंज पूछा है जस्ट हमसे. तो ठीक है, हम इसको इसी फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जो U है सिस्टम का फाइनली कितना हो जाएगा, जरा ये भी एक बार अपन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं यहां पे. तो ये जो है यू सिस्टम का फाइनली जो होगा, भाई सबसे पहले Q1 Q2 की बात करते हैं. Q1 Q2 में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, के Q1 Q2 बाय 30 रह जाएगा. अब अगर Q1 एंड Q3 की बात करें तो भाई Q3 की डिस्टेंस भी उससे एग्जैक्टली सेम बैठ रही है, वो भी चेंज नहीं हो रही है. एंड फाइनली अगर अपन बात करें Q2 एंड Q3 की, तो यस उनका डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है. कितना डिक्रीज हो रहा है मैं लिख देता हूं यहां पर, के Q2 Q3 डिवाइड बाय ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 10 रह जा रहा है. सो दिस इज द चेंज दैट वी कैन सी हियर. ठीक है, तो अब इस चेंज को आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को, इसने मुझसे पूछा है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे चेंज यहां पर निकालना है. तो दोनों का सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं. सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है मैं देख लेता हूं. तो जो सब्ट्रैक्ट मैं करता हूं, ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी. डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू के Q2 Q3. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पर, 5 अपॉन 50 माइनस
1/50. सो आई कैन सी दैट k की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1/4πε0, ऐसा कुछ आता हुआ दिख रहा है मुझे ऑप्शन में ऊपर, q2 q3, ये ऊपर आ गया, एंड इसे लिख सकता हूं मैं 4/50. बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने जितना भी कैलकुलेशन था वो सेंटीमीटर में रख के किया था, एंड सेंटीमीटर इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो मुझे इसे हाथों हाथ मीटर में चेंज कर लेना चाहिए, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना चाहिए, इट कैंसिल्स आउट, तो यहां पर 2 आ जाता है. मेरे को दिखता है कि जो आंसर है q3/4πε0, और आगे की जो चीजें आ रही है उनको मैं लिख सकता हूं 8q2. अब यही चीज मुझसे पूछी गई थी, अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो q3/4πε0 को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया, पीछे का पार्ट पूछा गया, तो दैट्स हाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ए. तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने किस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं ये मैंने आपको सिखाया. ये स्केलर क्वांटिटी थी पोटेंशियल एनर्जी, जिसलिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और आप आसानी से उसे एड कर पाए. तो ये चीज हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और अच्छा सवाल जो मैंने आपको लाके दिया है यहां पर, इस सवाल के अंदर तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे टॉप साइड पे, सो टू गेट द फिजिक्स इफेक्ट, यहां पर एक पेंडुलम लगाया गया है ऊपर, तो ये जो पेंडुलम है जब भी आप न्यू स्लाइड पे आते हैं तो इस तरह से मूव करता है, तो ये जो है वी आर गेटिंग द फिजिक्स इफेक्ट इन दिस स्लाइड. सो अगर हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप देखिए यहां पर क्या बोला गया है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज एज शोन बिलो. तो पोटेंशियल किस तरह से वेरी कर रहा है विद फिक्स्ड डिस्टेंस आर इन मीटर्स, ये आपको बताया गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू 5 मीटर इज, 5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा गया है, तो ये 5 मीटर मुझे दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे पूछा गया है मुझसे. अब अगर ये सवाल आप बेसिक नॉलेज से करना चाहो, आप सोचो कि मतलब कोई डायरेक्टली कुछ दिख जाए, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल. आपको एक बहुत सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए थी जो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड्स में बताई थी, दैट पोटेंशियल अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं डीवी बाय डीएक्स विद नेगेटिव साइन, देन इट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट. तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसमें मैं डिफरेंशिएट करने के लिए या तो इक्वेशन लिखूं, बट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इसने दे रखा है मुझे v, यहां पे दे रखा है मुझे x. इसका मतलब इस ग्राफ से अगर मैं dv by dx निकालना चाहूं तो मुझसे सिर्फ स्लोप निकालने को कहा गया है. तो अगर आपने ये चीज समझ ली कि स्लोप निकालने को बोला गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है. अब एक बार देखते हैं किस तरह से अपन स्लोप यहां पे निकाल सकते हैं. स्लोप निकालने के लिए बच्चों मैं आपको एक बार दोबारा से फटाफट से एक तरीका बता देता हूं. अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो अगर आप स्लोप निकालने की कोशिश करें तो स्लोप मैं आपको बताता हूं किस तरह से डिफाइन किया जाता है. y2 - y1 एंड इसको डिवाइड कर दीजिए आप x2 - x1 से. तो अगर मैं y2 में से y1 को अगर सबट्रैक्ट करता हूं, तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूं. x1 y1 भाई मुझे दिख रहा है x1 कोऑर्डिनेट है यहां पर 4 और ये है y1 5. यहां मुझे दिख रहा है x2 कोऑर्डिनेट है 6 और ये कोऑर्डिनेट है 0. तो इसका मतलब 0 में से सबट्रैक्ट करूंगा -5. ठीक है, मुझे दिख रहा है यहां पर इस तरह से आता हुआ. देन मैं x2 मतलब 6 में से सबट्रैक्ट करूंगा 4 को, तो ये मुझे -5/2 आता हुआ दिख रहा है, जिसे -2.5 कहा जाएगा. अब यहां पर मुझे पता होना चाहिए कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज द नेगेटिव ऑफ dv/dx. तो अगर नेगेटिव साइन के साथ इसे लिखूंगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है 2.5 वोल्ट पर मीटर. सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. एक ग्राफ का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया है यहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है INJSU जैसा जो एग्जाम होता है वो ग्राफ पेपर की बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन कराता है. हमने 2019 के पेपर में भी देखा था, तो हो सकता है कि एक सवाल वो ग्राफ पे डाले, तो इसलिए हमने ग्राफ के क्वेश्चन की भी यहां पर प्रैक्टिस करी. तो बच्चों ये जो था आज का जो लेक्चर था, इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई. अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी के गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां मैं इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करूंगा, आपको हीट वाला पार्ट भी पढ़ाऊंगा, एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को वहां पर भी सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो हम गो थ्रू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपको लेक्चर में बताए. देन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है,
इसको हम जल्दी से क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट करंट जो होता है उसको किस तरह से डिफाइन किया है, इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज जो होता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ई को हमने बेसिक जो है मिनिमम चार्ज माना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ये जो है हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मानी हुई है। हाँ, हालांकि आजकल जो है अपन अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़े तो क्वार्क्स के अंदर भी डिवाइड कर दिया, ये हमें समझने को मिलता है, बट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस स्टिल वी आर यूजिंग ई एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो इस तरह से अपन ने करंट को यहां पर डिफाइन किया। करंट पढ़ने के बाद इस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप ध्यान रखिएगा, दैट इट इज गिवन एज वी इक्वल्स टू आई आर, वेयर वी इज दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, देन यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो बच्चे कई बार इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वी तो बैटरी का है। नहीं बच्चों, वी बैटरी का नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस आर के बारे में चेक कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बताऊं यहां पर ये आर है और सर्किट के अंदर एक बैटरी को यहां पर लगाऊं जिसका ईएमएफ ई था और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं वी, तो आप क्या कीजिए, ओम्स लॉ लगाइए, दैट वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर आप पूरे सर्किट के ऊपर लगाना चाहते हैं, कंप्लीट सर्किट पे, देन हम कहते हैं ई, दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी बहुत जल्दी मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला बताने वाला हूं। वी ऑलरेडी नो, वी हैव स्टडीड इन द क्लास 10th ऑल्सो, जो 10th के बच्चे हैं वो जो देख रहे हैं, और उसके अलावा जो बच्चे 9th या 8th के देख रहे हैं, तो आईजेएसओ का जो स्टेज 1 की प्रिपरेशन थी उसमें ये सब आपने चीजें सीखी हुई है। स्टिल इफ यू आर फेसिंग डाउट इन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, आई कैन लाइक गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन इन माई फर्दर वीडियोज। इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर इसमें डाउट है, तो मैं आपको ये सारी चीजें जरूर कवर करके दूंगा। देन इसके बाद जो है ओम्स लॉ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ओम्स लॉ समझने के बाद आपको रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट हाउ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज। रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं रो एल अपॉन ए। यहां पर जो टर्म्स है दोबारा से एक बार देख लेते हैं। रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, एल होता है लेंथ, एंड जो ए होता है हमारा वो है यहां पे एरिया। तो ये जो एरिया होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हमको ध्यान होना चाहिए कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर बताया गया है। देन इसके बाद जल्दी से हम आगे बढ़ते हुए जो कॉम्बिनेशन है सीरीज एंड पैरेलल उनका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सीरीज जो रेजिस्टेंस जब होते हैं, इसका मतलब एक के बाद जब एक रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, तो आर इक्विवेलेंट इज गिवन एज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड इट कंटिन्यूज टिल द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर अवेलेबल विद अस। तो सीरीज बच्चों कुछ इस तरह का होता है, एक के बाद ये दूसरा आपने लगाया, ये तीसरा आपने लगाया। इनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि सेम करंट फ्लोस थ्रू देम। तो ये R1, R2 एंड इसके बाद ये R3 मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो है हम एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। पैरेलल जो होता है, जस्ट वी आर रिवाइजिंग इट वेरी क्विकली, इट इज डिफाइंड एज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। इसके बाद जो है हम किरचॉफ के लॉज के एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि किरचॉफ करंट लॉ KCL एंड KVL को किस तरह से अप्लाई करना होता है। तो KCL एंड KVL बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है किरचॉफ का दिया हुआ। केसीएल के अंदर हम करंट जो है उसका समीशन जो होता है उसको करके या तो नेट समीशन जीरो कर देते हैं या नेट
आउटगोइंग करंट को जीरो कर देते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये आपको समझाने वाला हूं। केवीएल जो होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके अंदर सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जाना होता है हमें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करने वाला हूं। तो आज के लिए बच्चों, मैंने जो आपको समझाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट हमने देखा, देन इसके बाद जो ये जो पार्ट था That we just studied is electricity, जहां हमने ओम्स लॉ देखा, किस तरह से रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं वो देखा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊंगा, हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, एंड देन हम KCL, KVL, Wheatstone ब्रिज एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है अभी, Wheatstone ब्रिज। देन अगर बैटरीज जो होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज अगर हमें देखना है कि जब सीरीज और पैरेलल में बैटरीज को जोड़ दिया जाता है तो क्या आउटपुट होता है, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे बच्चों। इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम समझ चुके हैं, ये भी हम समझ चुके हैं, हाउ टू मेक एमीटर एंड वोल्ट मीटर विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये भी हमें सीखना है। एंड अंत में जो है हीट तो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हीट पे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो दिस इज द फ्लो दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। और जो है मेरे जो वीडियोज हैं इसमें आपको, अगर मेरा जो कोर्स कंटेंट है, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके अलावा अगर आपको फर्दर और क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज मुझे पिंग कीजिए, जो मेरा टेलीग्राम हैंडल है पंचोली राहुल, तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मुझे एंड ड्रॉप मी अ टेक्स्ट देयर। देन इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा मेरा जो कोर्सेस का ग्रुप है जिसके अंदर मैं अपने कोर्सेस को पूरा डिटेल डिफाइन करता रहता हूं, वो t.me.ra/lives है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पे मेरे जो कोर्स के अपडेट्स है मैं वो डालता रहता हूं। देन INJSO अभी हमारा टारगेट है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड फर्दर जो मेरी प्लानिंग है उसके अंदर मैं NSEP की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए YouTube पे लेके आने वाला हूं। तो दीज विल बी माय टू कोर्सेज दैट विल बी रनिंग ऑन YouTube। इसके अलावा अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे बच्चों आते हैं तो मैं आपको ये जो है एक बार दोबारा से अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं और मेरे साथ जो मेरे एक साथी हैं प्रशांत जैन सर, हम दोनों को ही कोटा में पढ़ाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर बच्चों को मेंटर कर रहे हैं और NTSC और NSEJS के लिए उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो NTSC जो होता है ये बच्चा 10th के अंदर दे सकता है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे। देन NSEJS जो है वो बच्चा जो होता है 10th तक दे सकता है, जनरली 8th 9th के बच्चे इसे दे रहे होते हैं, ये एक एज लिमिट के थ्रू चलता है। तो आप आइए, हम NSEJS का प्रिपरेशन भी आपको वहां पर कराएंगे, जल्दी से प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, यू कैन यूज माय कोड, आर ए लाइव इज माय कोड। एंड जब तक के लिए आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ये जो हमारे वीडियोज है इनको लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे तो जितने भी हमारे वीडियोज हैं इसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलता हूं, वहां पर मैं आपको जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाता हूं, और जो है हमारा हीट वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो हम कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।